फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनवाइटेड मी इन नेशनल लीडर अवार्ड। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे नेशनल लीडर अवार्ड में बुलाया है, इसलिए मैं अभी फ्लाइट में बैठा हूँ। हम आपको दिखाएंगे दिल्ली में मंडपम में मुझे इन्वाइट किया गया। और गाइस, ये अब तक का सबसे बड़ा नेशनल क्रिएटर अवार्ड होने वाला है, इसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। हेलो दोस्तों, तो मैं पहुँच चुका हूँ दिल्ली में गाइस, न्यू दिल्ली में पहुँच चुका हूँ गाइस। देख सकते हैं हमारे वेलकम के लिए, देखिए गाइस। मेरे वेलकम के लिए गाइस टैक्सियाँ आ चुकी है। अभी गाइस हम चलेंगे नेशनल अवार्ड की तरफ। गाइस ऐसे बने रहिए, हम आपको अभी होटल भी दिखाते हैं। गाइस चलते हैं सबसे लास्ट में। बाकी दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ पार्किंग में, अभी हम लोग जाएंगे होटल। काफ़ी वेट कर रहा था और फाइनली ड्राइवर आ चुका है, अभी हम लोग कैब से जाएंगे होटल में। और दोस्तों काफ़ी बड़ोदरा के यूट्यूबर लोग आ चुके हैं, मैं अकेले रह गया सुल्तानपुर का, जो अकेले आया हूँ। हेलो दोस्तों, मुझे जैसे कि आप जानते हैं अभी क्या कहते हैं, हम लोगों को ड्रॉप बहुत लेट में किया गया और हम लोग यहाँ पर देखो भाई गाइस बड़ोदरा से आए। हाँ बड़ोदरा से आए भाई, लोग को भूख लगी, हम लोग होटल में पहुँचे बहुत खतरनाक। क्या करें भाई, इतना मतलब टैक्सी वालों ने प्रॉब्लम करवा दिया होटल में, लेट एंट्री। सो अब जाके खाना हो रहा है हमारा, सोएंगे कब, सुबह भी जल्दी उठना है, सुबह भी जल्दी उठना है वही तो, और भूखे पड़े हैं हम लोग। देखो गाइस खाना रेडी हो रहा है, होटल में आ चुके हैं, सब कुछ शांत सा माहौल, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है सबसे। अभी तक हम लोग बहुत एक हिसाब से स्ट्रगल कर रहे थे, पूरे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया मेरे भाई ने, बहुत खतरनाक वाला। तो भाई आपके साथ कौन कौन है? और हमारे साथ बड़ोदरा से एक और है हमारे साथी, वो आए मेनली हम लोगों का रेल का है कंटेंट, तो उसके और सूरत से भी आए, बॉम्बे से भी आए और अहमदाबाद से भी आए रेल का। अहमदाबाद से जो ट्रेन से आने वाले थे वो कल ही आ गए। फ्लाइट का हमारा थोड़ा प्रॉब्लम था और टिकट आने में बहुत देरी हुई है, थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो गया था, तो उसके कारण थोड़ा लेट हुआ, तो हमको फिर कल ही पता चला ऐसा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ, जिसका टिकट आज ही हुआ और जिसका टिकट कल ही हो गया था। और काफ़ी लोग इसमें स्ट्रगल किए कि टिकट के लिए मतलब एक दिन में 20 से 25, 50 कॉल जाते थे, ऐसे एक एक लोग बात करते थे, तब जाकर हम यहाँ पर पहुँचे। और कल सुबह हम आपको दिखाएंगे नेशनल अवार्ड फंक्शन। थैंक यू गाइस। हेलो दोस्तों, तो सुबह लगभग कितने बज रहे होंगे? 6:30 ना? नहीं, 6:30 बजने वाले होंगे। छः बजने वाले। तो दोस्तों 6:30 बजने वाले, हम लोग रेडी हो चुके हैं। देखिए अपना भाई है, रेडी हो चुका है गाइस। बिल्कुल, अभी गाइस हम लोग उठे, काफ़ी लेट में सोए थे और लगभग 2-3 घंटे सोए होंगे। हाँ, और गाइस हाँ मुश्किल से 2-3 घंटे सोए होंगे। और देखिए ये हमारा रूम रहा, और गाइस सिंगल रूम है, ये भाई का बगल में कमरा है और मेरा इस तरफ था। यहाँ पर अब हम मतलब ऐसा है कि सबको एक रूम में एक ही जन है, ऐसा नहीं है कि एक रूम में दो जन है, सबको एक पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर एक रूम ही मिला है। पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर रूम मिला है। और ये रहा पूरा ये होटल, देख सकते हैं आप पीछे की तरफ होटल रहा, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है एक तरफ से। यहाँ पर अभी हम लोग जाएंगे नेशनल अवार्ड जो फंक्शन है वहाँ पर, और शायद ही 8 बजे से है, तो जितने भी साथी हैं सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, रेडी मतलब कि रेडी हो रहे हैं एक हिसाब से। अभी सब जितने भी हैं ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे, तब तक हम आपको आगे की वीडियो दिखा दें। थैंक यू दोस्तों, हम लोग रेडी हो चुके हैं। अभी मेरा भाई भी जो बड़ोदरा से आया है ये भी रेडी हो चुका है, और गाइस ये थोड़ा पंजाबी हो ना? हाँ जी गाइस, बड़ोदरा के साथ पंजाबी, गुजरात में बड़ोदरा ना? हाँ जी हाँ, तो पंजाबी भी है ये थोड़ा, और इनसे मिलकर अच्छा लगा। देख सकते हैं आप सब रेडी हो रहे हैं। अभी मेरा कल का फ्लाइट है रिटर्निंग, तो हो सके मैं एक दिन और वेट करूँ। ये भाई अभी इनका रिटर्निंग फ्लाइट नहीं है, हमारा कुछ अभी अता पता ही नहीं है कि कैसे जाना है, क्या है, कब का है, तो बाकी दोस्तों जो होगा देखा जाएगा, जैसे भी होगा बी पॉजिटिव। बिल्कुल जी, और देख सकते हैं आप काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस, इतना बड़ा इवेंट क्रिएटर्स के लिए आज तक कभी नहीं हुआ है। जब वहाँ पर जाएंगे ना कुछ मजा, मतलब एक हिसाब से इमोशन ही होंगे। हाँ, और सबसे बड़ी बात के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद आ रहे हैं वहाँ पर, तो और दोस्त उन्होंने भी काफ़ी मतलब हमारे लिए वो कुछ करने वाले हैं ऐलान बड़ा, सो वो देखते हैं कि क्या है, और एक्साइटेड है बहुत इस चीज़ के लिए। हाँ, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी आ रहे हैं और हम लोग के लिए कुछ एक हिसाब से
कुछ न्यू अनाउंसमेंट करेंगी जो हम लोग के वेलफेयर में हो, क्रिएटर्स के वेलफेयर में हो, इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देना थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो गाइस ऐसे बने रहिए। दोस्तों फिर हम लोग लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए। शायद आ गया फर्स्ट फ्लोर क्या मालूम नहीं, चलो देखते हैं। इतना जल्दी आ गया फर्स्ट फ्लोर नहीं यार, ये नहीं तो गाइस यहाँ का होटल बहुत कंफ्यूजिंग है, कहाँ जाए पता ही नहीं चलता। होटल भी कंफ्यूजिंग है, नहीं देखो ये नहीं है इस साइड। बाकी दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। हेलो, तो हम लोग निकल चुके हैं होटल से और हमारे कुछ साथी लोग मिल चुके हैं। भैया जी हैं मलयालम से मिलते। हेलो गाइस, इनका घर मलयालम में और गाइस नेशनल क्रिएटर अवार्ड में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साथ, इनसे मिलकर अच्छा लगा। आप देख सकते हैं इनकी तरफ। बाकी भाई लोग हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। बाकी गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं मंडपम की ओर, प्रगति मैदान की तरफ। बस हमारे रेडी होने वाले बार फिर से जय श्री राम बोल के फोटो ले। जय श्री राम, जय श्री राम। शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम लोग का नेशनल अवार्ड है। चीन देखिए गाइस, ये सुबह दिल्ली की आज है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली में फर्स्ट टाइम है यार, ठंड बहुत पड़ रही है, मुझे नहीं उम्मीद थी इतना ठंड पड़ेगी। देख सकते हैं आप लोग बीच जा रहा है फ्लोर पे। तो फाइनली दोस्तों हम लोग बस पे बैठ चुके हैं और हम लोग एक हिसाब से प्रेडिक्शन कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, लगभग 3000 क्रिएटर्स आ सकते हैं यहाँ पर, बट वो तो वहाँ पर जाने के बाद पता चलेगा। अभी हम लोग की बस रेडी हो चुकी है, अभी निकलने वाली है जस्टी। हम आपको आगे मंडपम का सीन दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, तो मैं पहुंच चुका हूं प्रगति मैदान। गाइस भारत मंडपम, ये बहुत बड़ा हमारे लिए सरप्राइज है। गाइस क्रिएटर लोग बस से उतर रहे हैं, देख सकते हैं आप पीछे की तरफ। हेलो गाइस, देख सकते हैं पूरा कितना लाइन लगा है यहाँ पर, काफ़ी क्रिएटर्स लोग इंडिया से, मतलब कि इंडिया के अक्रॉस इंडिया से काफ़ी क्रिएटर्स आ चुके हैं। देखिए गाइस काफ़ी भीड़ लगी है यहाँ पर, देख सकते हैं आप बहुत सारे क्रिएटर्स आए हैं। ये रहा हमारा भारत मंडपम दोस्तों, यहाँ पर बहुत भीड़ लगी है, जैसे कि आप देख रहे हैं काफी क्रिएटर्स आ चुके हैं यहाँ पर। मेरे माही अब मुझे ऐसा लग रहा है टिकट मिलना भी इम्पॉसिबल है। बाकी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लाइन में, देखिए गाइस काफी लंबी लाइन लगी है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, उनकी एंट्री हो जा रही है अच्छे से। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी है और पासेस मिलना मुझे लग रहा है इम्पॉसिबल है, क्योंकि पासेस जो देख सकते हैं आप भीड़ इस हिसाब से देखिए गाइस, देख सकते हैं भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लग रहा है ये प्रोग्राम मेरा कैंसिल हो सकता है, बाय मिस्टेक मैनेजमेंट यहाँ पर ठीक नहीं है। काफ़ी लोग यहाँ पर आ गए हैं और मुझे पास पहले से नहीं प्रोवाइड किया गया था, बाकी टिकट वगैरह प्रोवाइड कर दिया गया था। अभी यहाँ पर जो मेन है IRCTC से वो नहीं दिखाई दे रहे हैं जो पास प्रोवाइड करते हैं, बाकी हम दिखा सकते हैं गाइस, देख सकते हैं आप पीछे की तरफ कितना भीड़ लगा है। दोस्तों काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद ये हमको पास मिला है, बहुत स्ट्रगल किया। और दोस्तों हमारे पास ये मेल के थ्रू नहीं भेजा गया था, अभी हमने एक हिसाब से लाइन में लगा था काफ़ी देर तक, और काफ़ी लोग अभी बाहर भी खड़े हैं। लेट समय टाइम दिया गया था 8 AM, जो अभी 9 AM हो रहे हैं। अब देखिए गाइस अभी आगे भी भीड़ लगी है, देख सकते हैं आप। हेलो, बाकी सभी क्रिएटर्स लोग आए हैं, हम आपको आगे दिखाएंगे पूरा। हेलो गाइस, हेलो गाइस,
फाइनली वी आर हियर। कोई और प्रोटेक्शन नहीं, कोई और शुरू से लेके लास्ट तक मेरे भाई का सपोर्ट रहा है, मेरा गेमर भाई, हम दोनों राइजिंग स्टार हैं। ये हो गया, ये हो नहीं होगा गाइस। काफ़ी देर से स्ट्रगल करने के बाद मैं फाइनल स्टेज पे पहुंचा हूं। देख सकते हैं आप कि रहा नेशनल क्रिएटर अवार्ड। अभी शायद यहां पर मोदी जी भी आएंगे। मोदी जी आएंगे यहां पर? हां, इधर ही तो आएंगे। हां, अभी यहां पर मोदी जी आएंगे, हम आपको मोदी जी पे दिखाएंगे। गाइस सब लोग हॉल से भाग रहे हैं, लगता है मोदी जी आ गए। देख सकते हैं आप, ये हम लोगों के साथ हो क्या रहा है? सब साथ ही रहे। ओ गाइस देखिए, एग्जिट हो रहे हैं सभी लोग। देखिए सबके सब क्रिएटर्स लोग यहाँ पर भरमा रहे, क्रिएटर्स थी। हेलो, हाँ सर, हाँ बाहर निकल गए क्या? एक रीट्राई और कर रहे हैं, अगर हो जाएगी। लगता है गाइस कोई सेलिब्रिटी आ गया है, ऐसे भीड़ लगी हुई है। देखिए बाकी यहाँ पर जितने सब सेलिब्रिटी हैं छोटे मोटे, लगता है कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ गया तभी यहाँ पर इतनी भीड़ हुई है। पीछे की तरफ देख सकते हैं आप, ओ गाइस काफ़ी भीड़ लगी है। और जो जो क्रिएटर थे वो कोई सेलिब्रिटी आया क्या भाई? कौन है? काफी भीड़ है। हाँ अच्छा, बैठने के लिए भीड़ लगी है। साथियों, किसी भी देश की जर्नी में किसी एक पॉलिसी डिसीजन या एक अभियान का कैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ये आप सबको देख करके पता चलता है। 10 साल में हुए डेटा रिवॉल्यूशन से लेकर सस्ते मोबाइल फोन्स, डिजिटल अभियान, इंडिया अभियान ने एक प्रकार से कंटेंट क्रिएटर्स की एक नई दुनिया क्रिएट कर दी है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी सेक्टर की युवा शक्ति ने सरकार को प्रेरित किया हो, सरकार को मजबूर किया हो कि कब तक बैठे रहोगे, इसको भी सोचो। और इसलिए भी आप बधाई के पात्र हो। आज के इस अवार्ड फंक्शन का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो भारत के मेरे युवा मन को, हर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को जाता है। साथियों, भारत का हर कंटेंट क्रिएटर एक और बात को रिप्रेजेंट करता है। हमारे युवाओं को अगर सही दिशा मिले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने कंटेंट क्रिएशन का कोई कोर्स नहीं किया है? है ही नहीं तो क्या करोगे? पढ़ाई के टाइम करियर सेलेक्ट करते हुए ये सोचा भी नहीं होगा कि हम कंटेंट क्रिएटर जैसा कुछ बनेंगे। लेकिन अपने भविष्य को पहचाना, फ्यूचर को देखा और ज्यादातर लोगों ने वन मैन आर्मी की तरह काम शुरू कर दिया। अब ये श्रद्धा को देखिए, खुद अपना मोबाइल लेकर के बैठ जाती है। अपने प्रोजेक्ट में आप ही राइटर, आप ही डायरेक्टर, आप ही प्रोड्यूसर, आप ही एडिटर, यानी आपको ही सब कुछ करना होता है। यानी एक प्रकार से इतनी टैलेंट
एक जगह पे जमा हो जाए और फिर वो जब प्रकट हो तो उसका सामर्थ्य कितना हो सकता है अंदाज लगा सकते हैं। आपने आइडियाज गढ़े, इनोवेशन किए और उन्हें स्क्रीन पर जीवंत बनाया। आपने दुनिया को न केवल अपनी क्षमता से परिचित करवाया बल्कि लोगों को दुनिया भी दिखाई। आपने जो हिम्मत दिखाई उसी के कारण आज आप सब यहाँ पहुँचे हैं और देश बड़ी आशा के साथ आपको देख रहा है। आपका कंटेंट आज पूरे भारत में जबरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। आप एक तरह से इंटरनेट के MVP ठीक है ना? थोड़ा दिमाग खपाओ, क्रिएटिविटी बताओ अपना। जब मैं आपको MPP कहता हूं मतलब मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन बन गए। कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव का विषय उस हफ्ते में नहीं हूँ। तो दोस्तों प्रोग्राम खत्म हो चुका है, देख सकते हैं आप सब लोग गेट से एग्जिट हो चुके हैं। मोदी जी का इन्होंने भाषण सुना और देख लीजिए गाइस, सभी लोग जितने यहाँ पर मौजूद हैं सब के सब कंटेंट क्रिएटर हैं, देख लीजिए गाइस। और मैंने सोचा था सब कंटेंट क्रिएटर को सम्मानित किया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है, जो इंडिया के टॉप क्रिएटर हैं उन्हीं को सम्मानित किया गया है, देख सकते हैं आप। ये गाइस हमारा भारत मंडपम है दिल्ली में, प्रगति मैदान, देख सकते हैं गाइस। गाइज ये रहा प्रगति मैदान, गाइज भारत मंडपम, देख सकते हैं आप सभी लोग, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया इसे। इतना बढ़िया मैंने आज तक कभी इवेंट नहीं देखा है, जितना बढ़िया इवेंट पहली बार हुआ है। अभी शायद हर मतलब कि पर ईयर इसे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा। गाइज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, देख सकते हैं आप सभी। फाइनली दोस्तों प्रोग्राम इज इन नाउ गाइस, G20 यहाँ पर होस्ट हुआ था। ये क्या मंडपा, भारत मंडपा है और यहाँ पर आज नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, मुझे आकर बहुत अच्छा लगा। बाकी गाइस यूट्यूबर लोग अपने भाई लोग कंटेंट क्रिएटर हैं गाइस, सभी लोग मिल रहे हैं, ऐसे कई यूट्यूबर हैं जो भी मिलेंगे आपको, आपसे हम आपको मिलेंगे, देख सकते हैं गाइस। सिक्योरिटी बहुत टाइट है। ये रहा भारत मंडपा गाइस हमारा, देखिए गाइस
भारत की शान। काफ़ी भीड़ लगी थी, बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर आ गए थे। हम लोग सोचे हम लोग भी सम्मानित होंगे यार, बट क्या करें, नेक्स्ट टाइम फिर से प्रयास करेंगे। फिलहाल हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं एक हिसाब से, बहुत ये लोग तो टॉप क्रिएटर हैं। बाकी जिनको मिला है वो टॉप क्रिएटर हैं, इंडिया के टॉप क्रिएटर हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको मिला है। मेरा था होटल, क्या कहते हैं, स्टैलिन ऐसा कोई था, स्टैलिन करके होटल था। बाकी गाइस देख सकते हैं ड्रॉप करने के लिए बसेस आ चुकी हैं। सर ये वीआईपी लोगों का है यार शायद, हाँ लग रहा है वीआईपी का ही है। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का प्रोग्राम एंड हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बंदोबस्त किया गाइस, उन्होंने नेशनल थिएटर अवार्ड ऑर्गेनाइज किया था। ये मेरा ये था वो था क्या, मंडपम, भारत मंडपम जो प्रगति मैदान में। अरे जी मुझे आकर बहुत अच्छा लगा, और देख ली गाइस क्रिएटर्स की भरमार हो चुकी थी, इतने क्रिएटर्स आ चुके हैं यहाँ पर। आपको गाड़ी मिलेगी, एक एरिया में आपके बस मिल जाएगी। एक हिसाब से एंट्री नहीं मिल रही, कैसे कैसे हम लोग मशक्कत करके एंट्री की। देख सकते हैं सभी लोग अब निकल रहे हैं, टेम्पो ट्रेवल आपको वहाँ सब अपने, कोई घर जाएगा, कोई होटल जाएगा, अब कोई भूखे भी हैं। अब देख सकते हैं अंकल जी खाना खा रहे हैं सभी लोग। दोस्तों आपको कैसा लगा ये नेशनल अवार्ड 2024? और गाइस ये फर्स्ट टाइम है और इसको पर ईयर ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा यही हमारा भारत मंडपम में। तो गाइस अपना अपना कमेंट में अपना अपना राय दीजिए, और गाइस कमेंट में बताइए आपको ये कैसा लगा भारत मंडपम कार्यक्रम G20 जहाँ पर होस्ट हुआ था, और क्या कहते हैं गाइस नेशनल अवार्ड 2024। गाइस देख सकते हैं हमारी वैन जा रही है बस की तरफ, गाइस ये वैन है। ओ गाइस देख सकते हैं आप सभी छूट गया प्रगति मैदान, देख सकते हैं गाइस ये दिल्ली का नजारा है। हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। गाइस घर क्या, अभी मेरी फ्लाइट कल की है, तो हो सके मैं अपनी मौसी के आ जाऊँ, यहाँ पर मौसी का घर है, या फिर और कहीं भी चला जा सकता हूँ, मेरे काफी फ्रेंड भी है। देख सकते हैं गाइस जिससे बात कर रहे हो। तो दोस्तों देखिए लौटते समय खाने में कुछ मिला है, अभी हम इसको जैसे ही बस पे पहुँचेंगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गाइस बस का सफ़र बहुत लंबा है, अभी ज़्यादा दूर नहीं है स्टेडियम। स्टेडियम पे हमारी बस खड़ी हुई है, और गाइस सारे क्रिएटर्स धीरे धीरे करके निकल रहे हैं लग्जरी कार से, बड़े बड़े देख सकते हैं आप सभी। चलो ठीक है, फिर वहाँ से फ्री होकर बात करना वापस। हेलो दोस्तों, तो हम अपने रूम पे रिटर्न आ चुके हैं गाइस, और कल मेरा 12 बजे से फ्लाइट है, 1 बजे लखनऊ एयरपोर्ट छोड़ेगा, अभी मैं दिल्ली में हूँ। देख सकते हैं ये हमारा 5-स्टार होटल था गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी क्रिएटर्स आए थे सबको 5-स्टार होटल दिया गया था रहने के लिए। अब देख सकते हैं मेरा दो दिन का था, चेकआउट आज कर देते पर एक दिन मैंने एक्सटेंशन करवाया एक दिन का, देख सकते हैं गाइस। ये रहा रूम, और गाइस भूख बहुत ज़्यादा लगी है अभी यार, घूमने का मन कह रहा था, सोचा दिल्ली में कहीं घूम लूँगा, लेकिन क्या बताऊँ टाइम इतना नहीं है, और कल की फ़्लाइट है। अब जब भी आऊँगा दिल्ली पूरा दिल्ली घूमूँगा, और ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ कारण हो जाते हैं जिससे हम नहीं आ पाते हैं। बाकी गाइस देख सकते हैं, देख सकते हैं ये होटल का गाइस कॉरिडोर है। अब देखिए गाइस ये रहा हमारा रूम, रूम नंबर 103। पीछे उधर भी गाइस देख सकते हैं आप, पीछे की तरफ पूरा इधर कॉरिडोर, ऊपर टेरेस है,
जहाँ पर अभी हम गए थे थोड़ी देर पहले, आपको दिखाएंगे वीडियो में, और अंदर चलते हैं अभी, आज मेरी फ्लाइट है, रेडी हो जाएं। हे गाइस, तो सुबह हो चुकी है, देख सकते हैं आप, फीरा फाइव स्टार होटल गाइस, वॉशरूम है बगल में गाइस, देख सकते हैं एलईडी टीवी लगी हुई है, और ये देखिए वाटर बॉटल, तीन तीन रिमोट है, एसी का है, एलईडी का है, और अन्य चीज़ का है, लाइट वगैरह का है। ये गाइस एसी रहा, और गाइस ये बेड, टेलीफोन, सब कुछ, मतलब हर चीज़ है यहाँ पर, टेलीफोन है, मतलब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है यहाँ पर, देख सकते हैं गाइस। कॉफ़ी के लिए वाटर बॉयलर, चाय भी रखा है, कॉफ़ी रखा है, मिल्क भी रखा है, मिल्क पाउडर, देखिए गाइस, सब कुछ, मतलब हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है, देख सकते हैं गाइस। और गाइस ये रहा मेरा, अब मैं टांग फैला कर सो जाऊंगा, नहीं सोऊंगा नहीं यार, आज फ्लाइट है, आज फ्लाइट है, मैं आज ही दिल्ली से लखनऊ के लिए आऊँगा, और गाइस लखनऊ से कैंसी आ जाऊँगा। फाइनली गाइस हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, रिटर्न हो रहे हैं, और गाइस टर्मिनल 3 पे आ चुके हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, देख सकते हैं आप सभी, बाकी जितने लोग पीछे बैठे हैं सब क्रिएटर्स से, अपने भाई लोग, कोई अमेठी से, कोई सुल्तानपुर से, और बाकी बंगाल से अपना भाई, कोई लखनऊ से, कोई बनारस से, लखनऊ से भी है, बाकी गाइस लखनऊ और बनारस से भी लोग आए हैं, देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके टर्मिनल पे, अभी मेरी फ्लाइट 12 बजे है, और गाइस फिर हम लखनऊ तक पहुँचेंगे, उसके बाद ट्रेन वहीं से लेंगे। फाइनली गाइस हम एयरपोर्ट पे जाने वाले हैं, देख सकते हैं आप सब लोग आ चुके हैं, और अभी थोड़ी देर में जाएंगे। हेलो दोस्तों, तो मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं, देख सकते हैं आप सभी लोग, और गाइस वो रहा हमारा गेट नंबर 1, वहां से मैं एंट्री करूंगा। गाइस सेकंड टाइम फ्लाइट पे जा रहा हूं, रिटर्न लखनऊ की तरफ, बाय बाय दोस्तों, आगे हम चलते हैं, फ्लाइट आपको दिखाते हैं। अरे गाइस बाकी हमारे काम कर रहे हैं, बाकी काफ़ी दिन से अमेठी के हैं, आज साथ में जाएंगे, एक ही फ्लाइट है। तो दोस्तों हम लोगों को ये बोर्डिंग पास मिल चुका है, हम लोग का बोर्डिंग हो चुका है, अब हम वेटिंग में रहेंगे, और फ्लाइट अभी आएगी लगभग मान के चलिए 12 बजे, 12 बजे मेरी फ्लाइट है, और 1 बजे तक हम लखनऊ की तरफ पहुँच जाएंगे। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आगे आने के बाद, देख सकते गाइस ये बोर्ड है, अभी हम लोग वेटिंग में जा रहे हैं 27वीं। मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ बैठने के लिए, रिटर्न हो रहा हूँ इंडिया से गाइस, ओ सॉरी दिल्ली से रिटर्न हो रहा हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ लखनऊ की तरफ फ्लाइट से। गाइस ब्लॉग में बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे गाइस। तो फाइनली गाइस मैं जा रहा हूँ, एंट्री कर रहा हूँ अंदर की तरफ, मैं एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ, और गाइस फ्लाइट के अंदर बैठ चुका हूँ, जैसे कि आप जानते हैं नेशनल थिएटर अवार्ड मैं अटेंड करने के लिए आया था। तो गाइस ये मेरी एयर इंडिया की फ्लाइट है, आज मैं दिल्ली से लखनऊ की तरफ मेरी फ्लाइट है, गाइस वहाँ पर जाऊँगा, और देख सकते हैं ये रहा हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गाइस फ्लाइट के अंदर मैं बैठ चुका हूँ, सारे यात्री इतने लोग हैं सब बैठ चुके हैं, गाइस देख सकते हैं पीछे पीछे की तरफ, गाइस ये मेरा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में, गाइस देख सकते हैं सभी लोग बैठ चुके हैं। दोस्तों मैं सेकंड टाइम फ्लाइट में बैठा हूँ, देख सकते हैं आप सभी लोग, गाइस फ्लाइट में बैठने का शुरू कर दिया है। सेकेंड टाइम फ्लाइट पे बैठा हूँ, और गाइस फर्स्ट टाइम कल बैठा था, नहीं परसों फ्लाइट पे मैं फर्स्ट टाइम बैठा था, और आज सेकेंड टाइम बैठा हूँ। गाइस देख सकते हैं दिल्ली का एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गाइस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हे गाइस। बाय दिल्ली, बाय बाय, गोइंग टू लखनऊ।
वाले हैं, देख सकते हैं आप सब। फाइनली गाइस हम लोग लैंड हो चुके हैं लखनऊ में, देख सकते हैं आप गाइस। हम जाएंगे कानपुर की तरफ, यहाँ जाएंगे गाइस। हे गाइस, तो मैं लखनऊ एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ, देख सकते हैं आप। अब मैं जाऊंगा, देखता हूं क्या करता हूं। बाकी गाइस लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं, और दोस्तों अब देखो हो सके कहीं पर जाएं, या फिर लखनऊ में थोड़ा एंजॉय करें, या फिर डायरेक्ट मैं अपने घर की तरफ सुल्तानपुर की तरफ चलाऊंगा चारबाग से। हेलो दोस्तों, फाइनली मैं एयरपोर्ट पर आ गया था। अब मैं मेट्रो पकड़ ली हूँ, चारबाग की तरफ जाऊँगा, देख सकते हैं गाइस। अब मैं चारबाग जाऊँगा, वहाँ से अगर ट्रेन मिलेगी तो मैं अपने घर सुल्तानपुर की तरफ जाऊँगा। Hey guys, first time शायद मैं मेट्रो पर बैठा हूँ। गाइस फर्स्ट टाइम, इट्स द फर्स्ट टाइम मैं मेट्रो पर बैठा हूँ। लखनऊ कई बार आया हूँ, बस मेट्रो पर नहीं बैठा था। गाइस देख सकते हैं गेट खुल गई। हेलो दोस्तों, फाइनली मैं चारबाग स्टेशन पहुँच चुका हूँ गाइस। मेट्रो से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मैं चारबाग स्टेशन पहुँच चुका हूँ, देख सकते हैं गाइस। गाइस ये मेरा रात चारबाग स्टेशन, और गाइस अभी मैं सुल्तानपुर की टिकट देखता हूँ है कि नहीं ट्रेन कोई। हेलो गाइस, बाकी सब लोग हैं गाइस। फाइनली दोस्तों हमने सुल्तानपुर के लिए टिकट एक साथ से ट्रेन पकड़ लिया है गाइस। जैसा कि आप जानते हैं नेशनल अवार्ड के लिए मैं दिल्ली गया था, और फ्लाइट से मैं लखनऊ आया। काफ़ी देर वेट करने के बाद मुझे ये शटल एक्सप्रेस मिल चुकी है गाइस, जो बनारस जाएगी। मैं सुल्तानपुर जंक्शन पर उतरूंगा, चाहे मेरा सिटी है सुल्तानपुर जंक्शन। और गाइस बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ पर आने के लिए। रेल मिनिस्ट्री से मुझे कॉल आया, ये थैंक यू रेल मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने मुझे इनवाइट किया नेशनल क्रिएटर अवार्ड में। दोस्तों मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ सुल्तानपुर में, आगे की वीडियो हम आपको दिखाने हैं। थैंक यू गाइस। फाइनली दोस्तों हम अपने सिटी सुल्तानपुर में पहुँच चुके हैं गाइस, आ जाइए। अभी कुछ लोग मेरा वेट कर रहे हैं बाहर कि आदित्य आ जाए। दोस्तों मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ गाइस, देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगी है यहाँ पर। गाइस उतरने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, बाकी गाइस मैं उतर रहा हूँ। ये गाइस दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने शहर सुल्तानपुर में नेशनल क्रिएटर अवार्ड अटेम्प्ट करके। अभी भाई लोग हैं पीछे की तरफ मुझे ढूंढ रहे हैं, पहले मैं उनको ढूंढता हूँ वो लोग कहाँ पर हैं। गाइस चलते हैं आगे की तरफ। फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ मेन गेट पे गाइस। ये मोदी जी, गाइस मोदी जी, मोदी जी ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड ऑर्गेनाइज किया था, और गाइस मोदी जी हमको मिल चुके हैं यहाँ पर मेरे सिटी में। तो गाइस आगे की तरफ चलते हैं। ओ गाइस हमारे लक्ष्मण भाई और राहुल भाई भी आगे मिल गए हैं गाइस, देख लीजिए। हेलो, बाकी गाइस ये अपने भाई लोग आ गए हैं रिसीव करने के लिए। हाय गाइस, हेलो गाइस, भाई साहब अच्छा ये बताओ मैं नेशनल क्रिएटर अवार्ड में गया था, आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मेरे एक भाई ने कम से कम दिल्ली तक पहुंचा। मेरे गांव से एक लड़का नाम गांव मतलब गांव रोशन कर रहा है मेरे गांव का नाम। बाकी गाइस एक हिसाब से कह रहा हूँ ना, मुझे मोटिवेशन मिला, और गांव की मतलब जो हमारे रिलेटिव है जितने भी हैं गाइस बहुत उत्साहित हैं कि आदित्य से मैं बात करूँ। गाइस मुझे मौका ही नहीं मिला। बाकी गाइस मैं सुल्तानपुर पहुँच चुका हूँ, अभी मैं सबसे एक एक करके बात करूँगा गाइस कॉल पे। राहुल भाई चलते हैं फिर, चलो फिर चल। तो फाइनली गाइस मैं चल रहा हूँ घर की तरफ, अजय गाइस। जैसे कि गाइस मैं अपने सिटी सुल्तानपुर में पहुँचा, दो भैया लोग मिल चुके हैं, और गाइस इन्होंने कहा कि ब्लॉग बनाते हो, मैंने कहा बनाते हैं, तो मैंने कहा लेट हो रहा है, तो इन्होंने कहा आपके चैनल में सब्सक्राइब नहीं करूंगा अगर नहीं बनाएंगे। बाकी गाइस ये भैया लोग हैं, हाय हाय। बाकी गाइस अच्छा लगता है जब कोई मिलता है,
हाँ मुझे भी अच्छा लगता है काफी मोटिवेशन। लव यू गाइस, लव यू मोदी जी फॉर इनवाइटिंग मी इन नेशनल क्रिएटर अवार्ड। अपने घर पे पहुंच चुका हूँ, देख लीजिए गाइस दिल्ली से आ गए हम। गाइस अबे ओ गाइस देखिए दोस्तों अभी टाइसन भी आ जाएगा। टाइसन वो देखिए गाइस टाइसन आ गया। तो दोस्तों मैं अपने घर पे पहुंच चुका हूँ, देखिए टाइसन मुझसे बहुत खेल रहा है। तो दोस्तों बाय बाय गाइस नेशनल क्रिएटर। तो दोस्तों नेशनल क्रिएटर अवार्ड के लिए मैं मोदी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, इनवाइट कर दिया इसके लिए। यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए गाइस। गाइस देख सकते हैं मेरा घर आ चुका है, अब मैं अंदर निकल जा रहा हूँ। बाय बाय गाइस, बाय बाय।